कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के हमें कंफर्म कराएंगे कि मेरी साउंड क्लियर पहुंच रहा है या नहीं और प्रॉपर वीडियो दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मेरा क्लास चल रहा है। इससे पीछे का लेक्चर में हमने बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किया है, जिसमें से क्या था, पीडी था, पोटेंशियल डिफरेंस था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, ईवी था, करंट था और पोटेंशियल था। ये सारे पॉइंट हम पीछे के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं और आज का मेरा पॉइंट होगा, पॉइंट है पावर। क्या है? पावर। आज हम पावर पढ़ने वाले, हिंदी में बात करेंगे तो क्या है, शक्ति। इसके बारे में हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बताएंगे दोस्तों, क्या है जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा क्लास चल रहा है, इसमें कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल से, उस दृष्टिकोण से हम इस क्लास को स्टार्ट कर किए हैं। जो मेरा फोकस जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन पर ही फोकस है मेरा इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास में। तो सेमेस्टर एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, सभी लोगों के लिए ये क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पावर, पावर क्या है? अगर इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो क्या है, कार्य करने की दर। यानी कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति, यानी पावर। कार्य क्या है? W, वर्क को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? W से। और पावर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से। तो कह सकते हैं कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। तो P बराबर W by, यानी वर्क तो W हो गया, और अगर हम समय से भाग देते हैं किसी भी वर्क को, यानी दर निकालने के लिए, तो हम टी से भाग देते हैं। यानी टी क्या है? समय है। पी क्या है? पावर है। डब्लू क्या है? वर्क है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहां पर। इससे पहले का लेक्चर में जो पीडी पढ़ा था, पोटेंशियल भी पढ़ा था, सभी जगह करंट पढ़ा था, सभी जगह हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिकल त्रिकोण का। एक तो त्रिकोण ये था, यानी W बराबर VQ। अगर यहां पर W बराबर क्या है? VQ, W को हम यहां पर P बराबर W का वैल्यू ये पुट यहां पर हम करते हैं V इंटू क्यू और बाई टी। हमने क्या किया है? W का वैल्यू यहां पर पुट किया है, तो हमारा क्या बन गया? P बराबर पावर बराबर V इंटू क्यू बाई टी। एक त्रिकोण हमने और बताया था आपको, वो त्रिकोण था, जितना भी हम त्रिकोण बताते हैं ना, आपको बार बार कहते हैं जो इसका रिलेशन आगे होगा ही होगा ही।
क्यू बराबर आई टी, यानी कह सकते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, यानी चार्ज प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह दर को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश फ्लो रेट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आई का वैल्यू, अगर हम यहां पर आई का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, किसका आई का, पी बराबर वी इंटू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर क्यू बाई टी वी इंटू आई, ये मेरा प्राप्त हो गया क्या वी इंटू आई जो है ये मेरा अब बन गया क्या इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति मेरा ये बन गया, क्या बन गया पी बराबर वी इंटू आई। एक त्रिकोण और है, वो त्रिकोण आपका है यहां से बन गया वी इंटू आई। सभी त्रिकोण को आपको नोट करते जाना है, सभी त्रिकोण को नोट करते जाना, यहां से क्या बन गया पी बराबर वी इंटू आई। यहां पर अगर कहा जाए पी बराबर तो ये निकल जाएगा। अब पी का फॉर्मूला तो एक तो ये मेरा हो गया, और दो फॉर्मूला यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, और एक त्रिकोण ये भी याद रखना है, सभी त्रिकोण को आपको याद रखना है कहां पे भी बराबर आई इंटू आर, ये भी त्रिकोण आपको याद रखना। अब देखिए यहां पर रिलेशन क्या बनता है, भी बराबर क्या है आई इंटू आर, और आई बराबर बात की जाएगी तो भी बाई आर हो जाएगा। अब देखिए जो भी का वैल्यू, इस भी का वैल्यू पी बराबर हम पुट करते हैं I इंटू आर, और ये वाला एक I जो है हुआ ऑलरेडी उसको रहने दीजिए, तो P बराबर फाइनल यहाँ पर क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला मेरा ये वो क्या प्राप्त हो गया पावर का ये, और एक फॉर्मूला और पावर का होता है जहां पर हम इस जगह पर पावर को अगर भी का भी छोड़ दें और ये आई का वैल्यू यहां पर जो ये वाला आई का वैल्यू जो आया है आई बराबर भी बाई आर, तो हम आई का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं भी बाई क्या हो जाएगा आर, तो फाइनली ये फॉर्मूला फिर आ जाएगा क्या पी बराबर मेरा ये फॉर्मूला हो गया, तीसरा मेरा फॉर्मूला हो गया ये वाला, यानी पावर के लिए इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम तीन फार्मूला यहां से हमको निकल के आया ये त्रिकोण से। पहला फार्मूला यहां से निकला हमारा जो हमने पावर को स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिक पावर तक पहुंचा, पावर को स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक पावर तक पहुंचा। अब आ गए हम यहां पर भी पी बराबर भी इंटू आई हो गया, और यहां पर क्या हो गया इसको इस वैल्यू को हमने पुट किया था, किसको पुट किया था यहां पर भी का वैल्यू, वी का वैल्यू हमने क्या किया था यहां से आया था आई इंटू आर, और इंटू ये वाला आई है जैसे के तैसे हमने रख दिया, पी बराबर यहां पर आई स्क्वायर इंटू आर हो गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला के लिए आई बराबर भी बाई आर, यानी भी का वैल्यू तो भी ही हमने रख दिया यहां पर, और आई का वैल्यू ये वैल्यू हमने यहां पर पुट किया भी बाई आर, तो यहां से हमारा फाइनल प्राप्त हो गया क्या पी बराबर भी स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, पावर के लिए एक और सवाल पूछा जाता है बार बार, यानी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में
टोटल पावर पूछता है, क्या पूछता है, टोटल पावर। टोटल पावर यानी टोटल पावर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पीटी से। तो पीटी बराबर क्या होता है, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक पीएन तक चल जाएगा। ये फॉर्मूला भी जो है दोस्तों पावर का सीरीज एंड पैरेलल, दोनों सर्किट में अगर टोटल पावर निकालना होगा, अगर अलग अलग वैल्यू का कोई पावर सीरीज या पैरेलल में दिया हुआ है तो उसके लिए हम पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री यानी टोटल पावर यहां पर निकाल लेंगे। इससे सीरीज में हो या पैरेलल में हो, सभी जगह पावर क्या होगा, सेम होगा, पावर चेंज नहीं होता। अब अगर जहां पे पावर का भी दिया होगा और आई दिया होगा तो पावर हम निकाल लेंगे वहां से। जहां पे मान लीजिए यहां पर आई और आर दिया होगा तो यहां से हम इससे निकाल लेंगे। यहां पर फिर क्या है, भी और आर दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, हमने पावर से स्टार्ट किया था। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, और कार्य क्या है, यहां पर वर्क जो है डब्लू है, और दर यानी कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो वर्क में हम टी से भाग देते हैं तो क्या हमारा प्राप्त हो जाता है, पावर। यानी किसी भी कार्य को अगर टाइम से भाग देते हैं उसमें तो उसका क्या निकल जाता है, पावर। यानी दोनों मिलकर के हमने यहां पर ये हो गया पी बराबर इसके अंदर अब क्या आया था, यहां से हमने इस त्रिकोण से इसको निकाला था, डब्लू बराबर बी इंटू क्यू, और यहां पर हमने डब्लू का वैल्यू पुट किया था, क्या ये वाला वैल्यू, डब्लू का वैल्यू हमने ये पुट कर दिया यहां पर, क्या है भी इंटू क्यू, तो ये मेरा बन गया। और उसके बाद हमने इस त्रिकोण से लाया था क्या, आई बराबर क्या आया था, क्यू बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहां से आई मेरा आ गया था क्यू बाई टी का, तो भी इंटू आई मेरा पहला फॉर्मूला यहां से प्राप्त हो गया। इस फॉर्मूला से हम तीन फॉर्मूला इसको बना लिए। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, हमने इसको सिर्फ फॉर्मूला बेस से धारा थ्योरी को ढाला है, फॉर्मूला बेस से। सिर्फ आपको फॉर्मूला सब याद रखना, इसका रिलेशन याद रखना, बस सारा चीज आपका प्रोसेस से अपने आप निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि पावर यानी शक्ति और इलेक्ट्रिक पावर, यहां पर विद्युत शक्ति, ये क्या है, विद्युत शक्ति, दोनों पॉइंट आपको आज अच्छा से समझ में आया होगा। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर हमने पावर से निकाल लिया, कितना अच्छा है, कितना ये है, बस एक फॉर्मूला याद रहेगा और उस फॉर्मूला से हम पूरा थ्योरी निकाल ले रहे हैं। अब बताओ कि यहां पर भी आप निकाल सकते हो, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य क्या है, डब्लू है, दर कैसे निकलता है, टी से यानी समय से भाग देते हैं तो दर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं, तो दर हमने से यहां निकाला, पावर प्राप्त हो गया। तो आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो हम इसी तरह से रेगुलर लाते रहेंगे। मेरा एक टारगेट है 100 वीडियो का, जिस दिन हम 100 वीडियो बना दिए ना, उस दिन कोई भी एग्जाम हो, चुटकियों में चुटकी बजा के वो एग्जाम जो है क्वालिफाई करेंगे, अगर 100 वीडियो मैंने बना दिया। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।